Hello and welcome to the High Priestess Tarot. Thank you so much for joining me today. So, आज मैं बात करूँगी मेरे zodiacs के बारे में. So, I'll talk about Aries. So, अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी Aries है, Sun, Moon, Rising, Venus, आप ये रीडिंग देख सकते हो. रीडिंग आपको हेल्प कर सकता है. याद रखना ये जनरल रीडिंग है. So, हर एक Aries को ये रेजोनेट नहीं करेगा. So, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, बाकी यहीं पर छोड़ के जाना. मेरे बारे में जितने भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे. ओके, ये रीडिंग है आपका नवंबर 1st से लेके 15th तक 2020. सो लेट अस सी एरीज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. फर्स्ट कार्ड है द स्टार. सो एक्वेरियस एनर्जी, कैंसर एनर्जी, द मून, ओके, वाओ, सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो. सो बेसिकली आप काफ़ी ज़्यादा होप कर रहे हो, प्रे कर रहे हो फॉर सम काइंड ऑफ रिकंसिलिएशन और लाइक किसी के वापस आने का, या फिर मे बी ऐसा कोई इंसान जिसे आप कट ऑफ कर दिए थे या जिसने आपको कट ऑफ कर दिया था इन द पास्ट. आप अभी भी उस पर्सन लाइक आप चाहते हो ये पर्सन के साथ एक रिकंसिलिएशन या मे बी वापस कांटेक्ट में आना, बिकॉज आप इस पर्सन को मिस करते हो एरीज. बट आप श्योर नहीं हो कि क्या आप सही रास्ते से जा रहे हो, क्या ये सही है आपके लिए, या आपको 100% मूव ऑन करना चाहिए, या फिर अभी भी होप है, आप कन्फ्यूज हो, आपको पता नहीं है. एंड टेम्परेंस, हायरोफेंट एंड द वर्ल्ड. सो एरीज, आई थिंक बॉटम डेक एनर्जी, फोर ऑफ पेंटिकल्स. सो आई थिंक आप बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रहे हो एक सिचुएशन को, एक लव सिचुएशन को अपनी लाइफ में, एक कमिटमेंट को. मे बी बहुत लोगों के लिए एक मैरिज था ये जो एंड हुआ है, या एक बहुत कमिटेड रिलेशनशिप था, या फिर एक ऐसा रिलेशनशिप था, कनेक्शन था जो आपको लगा था बहुत स्टेबल है, बहुत कमिटेड है. बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे एंडिंग हुआ है ऑलरेडी, या फिर हो रहा है. मे बी नो कॉन्टैक्ट में हो आप लोग, समथिंग लाइक दैट. एंड आपकी एनर्जी ऑलरेडी बहुत क्लोज्ड ऑफ है. आप ज़्यादा कुछ दे लाइक दिखा नहीं रहे हो इस पर्सन को कि आप क्या फील कर रहे हो या क्या है आपके मन में. आप यूजुअली उस चीज़ को बहुत अच्छे से हाइड कर रहे हो, आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से किसी लाइक डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, क्लोज्ड ऑफ हो. आप एक बैलेंस ढूंढ रहे हो अपने लाइफ में. अब जो ये पर्सन आपके लाइफ में नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया है आपके लाइफ को. एंड बेसिकली आप एक बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो सिचुएशन को, जहाँ पे आपको एक बैलेंस दिख सके. आपका मेंटल पीस, आपका इमोशनल पीस, आपका फिजिकल हेल्थ, सारे चीज़ें एक बैलेंस पे आ सके. ये पर्सन को मे बी एरीज आप कट ऑफ किए थे, या पर्सन ने आपको कट ऑफ कर दिया था इन द पास्ट. एंड आई डोंट थिंक ये पर्सन आपको कुछ ज़्यादा क्लैरिटी दिए कि फ्यूचर के बारे में. आपको कहीं ना कहीं अभी भी होप है, या आप विश कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप प्रे कर रहे हो कि ये पर्सन, काश ये वापस आ जाए, या काश आप दोनों के बीच में वापस से कुछ स्टार्ट हो जाए. बट एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो कि क्या ये सच में हो सकता है, क्या आपके लिए ये सही है, क्या आपको उम्मीद रखनी चाहिए या नहीं. बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है, बहुत सारे क्वेश्चंस है आपके मन में जो इज़ लाइक डिस्टर्बिंग यू. ठीक है, सो लेट अस सी कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है. नाइट ऑफ कप्स, ओके, व्हाट इज योर पर्सन्स एनर्जी. एरीज, बहुत लोगों के लिए ये एंडिंग, ये सेपरेशन हुआ था मे बी फॉर अ मैरिज. या तो आप मैरिड है, या ये पर्सन मैरिड थे एंड दैट वाज द रीज़न. ओके, वाओ, थ्री ऑफ कप्स, या थर्ड पार्टी. बहुत लोगों के लिए हो सकता है आप थर्ड पार्टी में थे, हर किसी के लिए नहीं. व्हाट इज योर पर्सन्स एनर्जी. एरीज, Knight of Wands, okay, इतने सारे कार्ड्स आई कैन नॉट
take. Page of Cups. Two more. What is your person's energy? Sun in reverse. What is your person's energy? What is your person's energy? Aries. So there's a lot of drama with this person. Eight of Wands in reverse. Bottom deck energy. Okay, so aapke person ki energy is kya hai, Aries? I think there is a third party situation jo chal raha hai is waqt. Aap dono ke beech mein. Again, third party kuch bhi ho sakta hai. Maybe this is another relationship. Maybe this is another marriage. Work, job, family, कुछ भी हो सकता है, but बहुत लोगों के लिए maybe ये एक marriage है या एक relationship है, because यहाँ पे Hierophant भी था, यहाँ पे Knight of Wands है, Three of Cups है, basically ये person, आप जैसे hope रखे हो इस situation से, ये person भी इस situation से, I won't say hope, but इस person के मन में अभी भी feelings है, इस person के मन में अभी भी आपके बारे में ये पर्सन सोचते हैं, फीलिंग्स है. अगर इस पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया है, इस पर्सन को पता है, इस पर्सन को वो चीज़ पता है, एंड ये पर्सन मे बी नॉट रिग्रेट, बट इस पर्सन को वो बुरा लगता है कि इन्होंने आपके साथ अगर गलत किया, मे बी आपको किसी और के लिए छोड़ दिए थे, या फिर आपको झूठ बोले थे, या फिर आपको बिना बताए छोड़ दिया, यू नो, वट एवर द सिचुएशन. अगर ये पर्सन बेसिकली आपको हर्ट किए हैं, ये पर्सन सॉरी फील करते हैं, बट इस वक्त एरीज ये पर्सन कुछ ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, या कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है यहाँ पे, बिकॉज इस पर्सन का एनर्जी कहीं और है, कहीं और, मतलब किसी और कमिटमेंट में, किसी और मैरिज में, किसी और सिचुएशन में, फैमिली सिचुएशन, बिजनेस, करियर, वट एवर. ये पर्सन कहीं और इन्वेस्टेड है, इसलिए ये पर्सन आपकी सिचुएशन में ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा कुछ नहीं दे पा रहे हैं. इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में है. इस पर्सन को लगता है अभी इस वक्त ये आपके साथ कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे. इस वक्त ये आपको मे बी कुछ, इनके पास कुछ है नहीं जो ये आपको ऑफ़र कर पाए. ये मे बी आपसे बात नहीं कर पाएंगे, ये आपके साथ मिल नहीं पाएंगे, ये आपके साथ ये रिलेशनशिप इस वक्त नहीं देख पा रहे हैं. फॉर सम रीज़न, for most of you this is work or this is a third party. I'm sorry, but this can be a third party, क्योंकि इसके नीचे I have the Empress also. अगर ये person already married है, या इस person के life में कोई और है, that is also a reason. अगर आप third party में नहीं हो and ये आपको पता है, then the reason is maybe work, maybe career, something else, family, okay. So इस person को अभी इस वक्त पता नहीं है कि आपके साथ क्या करना चाहिए, लाइक आप दोनों का जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है, या कोई फ्यूचर है भी या नहीं, ये सारी चीज़ें इस पर्सन के लिए अभी क्लियर नहीं है, बिकॉज़ इस पर्सन का जो एनर्जी है ये कहीं और इन्वेस्टेड है, एरीज. एंड हाँ, ये पर्सन आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, ये पर्सन आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, ये पर्सन को बुरा लगता है अगर ये आपको हर्ट किए हैं कभी, बट इस वक्त ये पर्सन आपके सिचुएशन में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, ओके. फॉर सम ऑफ यू मे बी दिस पर्सन वॉज अ पर्सन जो बहुत नॉन कमिटल थे, जो पर्सन कमिटमेंट से डरते हैं, इसलिए मे बी ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, ओके. सो वॉट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल आउटकम, वॉट इज दिस, ओके. सो आई हैव मैजिशियन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, Five of Pentacles, bottom deck energy, Ten of Cups. So most probable outcome, आप दोनों के बीच में क्या हो सकता है? I think this is like a 50-50 situation, Aries. I think अगर आपके person देर इज़ अ चॉइस, ठीक है, जो आपको या आपके पर्सन को लेना है. आई थिंक यहाँ पे कोई एक है जो मैनिफेस्ट कर रहा है इस पर्सन को, मे बी आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट करे, या आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करो, बट आई थिंक ये आपकी एनर्जी है, बिकॉज आई डोंट थिंक आपके पर्सन इस वक्त इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, मनी, टाइम, एनर्जी, वट एवर. सो दिस पर्सन नीड्स टू वॉक अवे फ्रॉम समथिंग, एरीज, ताकि आपके पास आ सके या आपको टाइम दे सके. हाँ, ये पर्सन चाहते हैं आपको, ये पर्सन अट्रैक्टेड है आपसे, बट आई थिंक इस पर्सन को कुछ छोड़ के आना पड़ेगा,
तभी जाके ये पर्सन आपको, आपका जो ड्रीम है वो फुलफ़िल कर पाएंगे, आपका जो विश है वो फुलफ़िल कर पाएंगे। मे बी कोई जॉब छोड़ना पड़ेगा, मे बी करियर ऑप्शंस, मे बी अपना कोई पर्सनल रीज़न है, मे बी कोई और मैरिज है, मे बी एक कमिटमेंट है, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, वॉट एवर। बॉटम डेक एनर्जी है हमारा 10 of Cups, सो हो सकता है ये पर्सन मैरिड है फॉर सम ऑफ यू, नॉट एवरी वन अगेन, ठीक है। जो लोग मे बी, अगर आप सिंगल हो एरीज, आई थिंक आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस आने वाले हैं आपके तरफ मे बी, बट आई डोंट सी अ वेरी मैच्योर ऑप्शन एज येट। मे बी ये जो भी कनेक्शंस होंगे इस वक्त, शायद ये बहुत ही फ्रिकल हो, लाइक यू नो, कैजुअल रिलेशनशिप्स, कैजुअल फ्रेंडशिप्स, सो डोंट एक्सपेक्ट कि कुछ स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल कनेक्शंस, बट इट्स योर विश कि आप ये सारे कनेक्शंस में इन्वेस्ट करोगे या नहीं, ये आपका चॉइस है एरीज सिंगल्स। अगर आप ऑलरेडी हैप्पीली इन अ रिलेशनशिप हो किसी के साथ, आई थिंक द कनेक्शन विल ग्रो, द कनेक्शन विल बी गुड। मे बी थोड़ा सा कम्युनिकेशन इश्यूज हो सकता है, या फिर आप दोनों में कुछ डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है, मे बी टेम्पररीली, नथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ। मे बी ये पर्सन कहीं लाइक वर्क में बिजी रहेंगे, या आप बिजी हो, या वॉट एवर द सिचुएशन, थोड़ा सा कम्युनिकेशन लो जा सकता है कुछ दिनों के लिए, बट आई थिंक वो पिकअप कर लेगा इवेंचुअली, ओके। द कनेक्शन विल ग्रो इवेंचुअली अगर आप इन अ रिलेशनशिप हो इस वक्त, लाइक नॉर्मल प्रॉपरली, ओके। सो आई मूव टू योर करियर एंड फाइनेंसेस। करियर एंड फाइनेंसेस फॉर माय एरीज, what do we have for my Aries? Okay, 3 of Swords, 7 of Wands, 9 of Cups, and the Page of Pentacles. Okay, there's a lot of growth happening for your career and finances, Aries. काफ़ी ग्रोथ मुझे दिख रहा है इन द प्रॉपर टाइम, यस, इन द प्रॉपर टाइम। व्हाट आई एम सीइंग इज, मे बी आप हार्ट ब्रोकन हो ओवर अ सिचुएशन, या फिर आप लाइक आपको ज़्यादा होप नहीं है एक सिचुएशन से, आपके करियर में या फिर आपके फाइनेंशियल लाइफ में, ठीक है, आपके वर्क लाइफ में, या आपके वॉट एवर एडुकेशन पर्पस, वॉट एवर द रीज़न इज़, आई थिंक क्यों आप ये ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हो, बिकॉज आई थिंक आप बहुत सारे ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हो, या आपको लग रहा है कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा है आपका, मे बी आप बहुत, आपका जो एनर्जी है, आप काफ़ी टायर्ड फील करते हो, आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, बट इन जनरल आपको ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रहा है। दिस इज़ बिकॉज आई थिंक एरीज, यू नीड टू ओपन अप मोर, लाइक आप हो सकता है आप कुछ नया आपको ट्राई करना चाहिए। अगर आप सपोज़ एक जॉब में सेटिस्फाइड नहीं हो, एंड फिर भी आप एवरी डे ऑफिस जा रहे हो, वही काम कर रहे हो, बट एट द एंड ऑफ द डे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, एट द एंड ऑफ द डे आपको लगता है कि आप इससे बेटर कर सकते हो, या आप इससे भी ज़्यादा डिजर्विंग हो, देन आई थिंक आपको कुछ नया करना चाहिए। आपको कुछ नया, मे बी एक नए ऑफिस में अप्लाई करना चाहिए, कुछ नया ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, नया बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को देखना चाहिए, स्टार्टिंग समथिंग न्यू कैन हेल्प यू, या फिर पुराना काम ही कुछ नया तरीके से कर सकते हो आप, उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हो, उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हो इफ़ यू वांट, एंड यू नीड टू ओपन अप मोर। मे बी आप ज़्यादा बाहर नहीं जाते, आई मीन बाहर इन द सेंस, ऐसा नहीं कि बाहर घूमना, बट मे बी आप बहुत सारे जगह पे अप्लाई नहीं करो, आप अपना रिसोर्सेज को ओपन अप नहीं कर रहे हो, आप अपने रिसोर्सेज को बहुत लिमिटेड रख रहे हो, जो एक रीज़न है आपका इस स्टैग्नेशन का, एरीज। सो ट्राई करो कि आपका जो रिसोर्सेज है, आपके जो सोर्सेज है, जो लोगों को आप जानते हो, जिस कंपनीज को आप जानते हो, जिसके साथ आप बिजनेस करते हो, जो भी है करियर, जो फ्रेंड्स है आपके, जो आपको हेल्प कर सकता है, सो आपके सोर्सेज को ओपन अप करो, इधर उधर देखो कि आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या नहीं है, थोड़ा लोगों से पूछताछ करो, यू नो, बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, बिकॉज आई थिंक आपके आसपास कोई एक पोटेंशियल ऑफर या तो आने वाला है, या तो आप अप्लाई करने वाले हो, जहाँ पे इनिशियली
स्टार्टिंग में आपको लग सकता है कि ये बहुत नॉर्मल सा ऑफ़र है, ये बहुत छोटा सा ऑफ़र है, या फिर ये सिमिलर ऑफ़र है, ये कुछ बड़ा नहीं है, बट वो सिमिलर छोटा सा ऑफ़र फ्यूचर में जाके आपको बहुत सारे विक्ट्री, हैप्पीनेस, सक्सेस दे सकता है विथ टाइम. आपको डटे रहना पड़ेगा उस चीज़ के साथ, उस ऑफ़र के साथ, तभी जाके आपका कोई विश फुलफ़िल हो सकता है. ओके, यू विल सी विक्ट्री इन दिस सिचुएशन, बट इन डिवाइन टाइमिंग. ऐसा नहीं है कि आप 4 दिन काम करके आप हाल छोड़ दो कि क्यों नहीं हो रहा है. होगा, बट यू नो यू हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम. बट आई थिंक समथिंग न्यू इज़ कमिंग इन, बिकॉज आई थिंक आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, आप काफ़ी ज़्यादा या तो बोर हो चुके हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, अनहैप्पी हो, अनसेटिस्फाइड हो किसी सिचुएशन से इस वक्त, एंड आप वो बेटर बना सकते हो. आप उस स्टैग्नेशन से बाहर आ सकते हो by doing something new for yourself or by applying somewhere, opening your resources, you know. So let's see any general messages for my Aries out there. Okay, we have the Fool energy. Two of Wands and the Strength, Leo. I think Aries, आपको इस वक्त जो चाहिए is अपने आप पे भरोसा, किसी और पे नहीं, अपने आप पे. बिकॉज आई थिंक आप एक हार्ड वर्कर हो, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकते हो, आप में वो पोटेंशियल है कि अगर आप कुछ करते हो, आप पूरा दिल लगा के करते हो, चाहे वो आपका कोई हॉबी हो, बिजनेस हो, आपका कोई रिलेशनशिप हो, जहाँ पे भी आप अपना सिचुएशन, लाइक आप अपना हार्ड वर्क देते हो, आई थिंक आप दिल से देते हो. ऐसा नहीं है कि बस करना है इसलिए करते हो. ओके, सो व्हाट यू माइट रिमेम्बर एरीज इज, आपको भरोसा रखना है अपने आप पे. जब भी आपको लगे कि टाइम सही नहीं है, या फिर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बर्डन है, आप ये नहीं कर पाओगे, बहुत प्रॉब्लमेटिक है सिचुएशन, बस इतना लाइक ध्यान रखना कि आप कर सकते हो, आप में वो कैपेबिलिटी है. इवन दो आपको लगे कि नहीं है, इट्स नॉट ट्रू, आप में वो कैपेबिलिटी है. ओके, सेवन ऑफ कप्स इन रिवर्स, बॉटम डेक एनर्जी, एट ऑफ सोर्ड्स. फॉर सम ऑफ यू एरीज, आई थिंक आपको कुछ डिसीशंस लेने पड़ सकते हैं, कुछ डिसीशंस. मे बी आपके सामने 2-3 रास्ते आपको दिखेंगे. ये करियर हो सकता है, फैमिली रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है. आई थिंक आपके सामने 2 रास्ते दिखेंगे आपको कि आप कुछ करो, ठीक है. दोनों, 2 ऑप्शंस, 2 चॉइसेस. बट आपको इतना याद रखना है दैट आप एक रिस्क अगर आपको लेना है, जो भी आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, जो भी आप दिल से करना चाहते हो, उसके लिए अगर आपको रिस्क लेना, मतलब लेना होगा, आप ले सकते हो. आप में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप में वो स्ट्रेंथ होना चाहिए टू टेक द रिस्क, टेक दैट लीप ऑफ फेथ एरीज. बिकॉज आई फील आप एक हार्ड वर्कर हो, आई फील आप में वो पॉसिबिलिटी है, वो कैपेबिलिटी है कि आप अपना जो ड्रीम है, अपना जो विश है, उसको रियलिटी में बदल सकते हो, ठीक है. बट एन एडवाइस इज, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, बहुत सारे ऑफर्स आएंगे, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, मे बी डिसीशंस आएंगे लाइफ में जो लेने को पड़ेगा. लाइक डोंट गेट कन्फ्यूज्ड कि ये करूँ वो करूँ, या फिर ये मत करना कि आप एक साथ में बहुत कुछ ले लिए, लाइक एक साथ में आप 10 रेस्पॉन्सिबिलिटीज ले लिए कि मैं कर लूँगी या कर लूँगा, एक साथ में आप बहुत कुछ सोच लिए कि यू नो मल्टीटास्क कर लेंगे, या सब कुछ, सबको खुश करने की कोशिश करेंगे, सारे सिचुएशन को एक साथ में हैंडल करेंगे. वो मत करना, वो मत करना. जस्ट डिसाइड कि आपको कौन सा रास्ता लेना है लाइफ में, चाहे आपका करियर में, चाहे किसी पर्सन के बीच में, जो भी है डिसाइड करो. एंड जो भी आप डिसाइड करोगे उसके लिए हार्ड वर्क करो, सिंपल, एंड उससे आपको हैप्पीनेस मिलेगा फॉर श्योर, ठीक है. एंड आपको लग सकता है दैट यू आर फीलिंग स्टक, दैट देयर इज स्टैग्नेशन, जैसा कि हम लोग बोल रहे थे पहले, दैट विल गो अवे वंस यू स्टार्ट पुटिंग इन द वर्क, वंस यू स्टार्ट developing, once you start working, I think that feeling will go away. Okay, so let us see what is the guidance for my Aries. Any guidance messages for my Aries?
Okay. Hope, love and acceptance. Love is yours. Recognize your divine worth. Choose loving thoughts. Yes. So I think hope, love, acceptance, this is your strength. इस ये मंथ के लिए एरीज ये आपका स्ट्रेंथ है बिकॉज आई थिंक आप में वो होप लाइक आप में वो स्ट्रेंथ है आप में वो विल पावर है कि आप कुछ भी कर सकते हो. आप अपने लाइफ में अगर कोई सिचुएशन नेगेटिव है आप उसको पॉजिटिव में बदल सकते हो. अगर आपको कुछ चेंज करना है आप वो चेंज कर सकते हो. अगर आपको कुछ बेटर करना है आप बेटर कर सकते हो. ओके सो इट इज़ जस्ट द एक्सेप्टेंस कि हाँ आप में वो पावर है एंड इस रास्ते में कन्फ्यूज मत हो जाना या फिर इतने सारे थॉट्स में इतने सारे लाइक डिसीशंस में कंफ्यूज मत कर लेना अपने आप को. दैट इज़ द ओनली थिंग जो आपको याद रखना है. अदरवाइज इट इज़ ऑल पॉजिटिव. ओके बेसिकली आपका जो दिल बोल रहा है आपको जो डायरेक्शन में जाना चाहिए आपका जो एक्शन लेना चाहिए क्या करना चाहिए कैसे हैंडल करना चाहिए सिचुएशंस को आपके लाइफ में आप अपना दिल का बात सुनो एंड टेक दैट लीप ऑफ फेथ. बिकॉज जो भी डिसीशन आप लोगे जो भी चॉइस आप करोगे वो आप लाइक उससे आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा. बिकॉज हम लोग बोलते हैं ना कि कोई भी चॉइस लाइफ में गलत नहीं होता. गलत चॉइस गलत डिसीशन बोल के कुछ नहीं होता है. हर चॉइस कुछ ना कुछ आपको सिखाता है. हर चॉइस में एक लेसन होता है. हर चॉइस में कुछ गेन करते ही हो आप. ओके सो आई थिंक दैट इज़ योर केस. जो भी आप चूज़ करोगे सोच समझ के चूज़ करना दिल से चूज़ करना ठीक है एंड यू विल गेन समथिंग आउट ऑफ इट. ठीक है सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एरीज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. टेक केयर एंड बाय.